नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। राजस्थान जीके के इस टेस्ट सेशन में हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए ऐसे प्रश्नों पर डिस्कस कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं और आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सेशन में हम राजस्थान भूगोल के इन 16 टॉपिकों से जुड़े प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और राजस्थान इतिहास कला संस्कृति और साहित्य के इन 17 टॉपिकों से संबंधित जो भी प्रश्न बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं उन प्रश्नों का हमें क्विकली रिविजन है वो करेंगे। वैसे इन सभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पुराने पेपरों का विस्तृत व्याख्या सहित विश्लेषण हम हमारे YouTube चैनल पर ऑलरेडी जो अवेलेबल 3 मेगा वीडियोज हैं इनके माध्यम से हम कर चुके हैं। आप विस्तार से अगर इनका विश्लेषण देखना चाहे तो वहां पर देख सकते हैं। बाकी 2015 से 20 तक के RSMSSB के सारे पेपरों की अगर आप PDF प्राप्त करना चाहें तो उसकी भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और ओम डिजिटल स्टडी 20 जो आप अगर रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 20% इस PDF में डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पेपर रहेगा कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन एग्जाम 2019 का। ये एग्जाम 24 मार्च 2019 को आयोजित हुआ था। इस पेपर में राजस्थान जीके से संबंधित 50 प्रश्न पूछे गए हैं और इन 50 प्रश्नों में ज्यादातर प्रश्न बहुत इजी है लेकिन कुछ प्रश्न कंफ्यूज करने वाले हैं। तो आपके इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न गलत होते हैं कितने सही होते हैं ये जब 50 प्रश्न पूरे हो जाए तो उसके बाद में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार में मुगल शासकों के सिक्के जारी हुए जिन्हें कहा जाता था। विकल्प है द्रम, सिक्का एलची, चित्तौड़ी दिनार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है सही उत्तर। अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के द्वारा जो सिक्के जारी किए जाते थे उनका नाम है सिक्का एलची। जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, हरिभाव उपाध्याय। तो जीवन कुटीर के गीत हीरालाल शास्त्री के द्वारा है वो लिखा गया था। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? यशोदा देवी, सुशीला बंगारू, शारदा भार्गव, विद्या पाठक। तो शारदा भार्गव राजस्थान की प्रथम महिला सांसद थी। यशोदा देवी भी राजस्थान की प्रथम महिलाओं में अग्रणी है। तो आप कमेंट करके बताइए कि राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी। करणा भील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक है? नड़, मोरचंग, सतारा, करणा। तो करणा जो भील है ये नड़ वाद्य के प्रसिद्ध वादक माने जाते हैं। अगला सवाल, भीलवाड़ा जिले की नदी पर बागोर स्थित है? लूनी, कोठारी, बनास, चंबल। तो भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी पर बागोर स्थित है। बागोर एक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख का लेखक है? महेश्वर, जगन्नाथ राय, राणा कुंभा, जगत सिंह। तो एकलिंग शिलालेख के लेखक महेश्वर है, ऑप्शन नंबर 1 है सही उत्तर। निम्नलिखित प्रतिहार शासकों में से किसने मंडोर को बदलकर मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया? हरिश्चंद्र, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, देवराज। बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, अच्छी तरीके से ध्यान में रखें। ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट आंसर। जयपुर के किस शासक ने लगातार 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा की? मानसिंह, राम सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह। तो मिर्जा राजा जय सिंह ने 3 मुगल सम्राटों यानी कि जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा की थी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। इस प्रश्न को रिवर्स भी पूछा जा सकता है कि मिर्जा राजा जय सिंह कौन कौन से मुगल शासकों के समकालीन था, तो ये भी आप ध्यान में रखें। रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवाड़, मारवाड़, मेवात, हाड़ोती। तो रतवाई जो लोकगीत है ये मेवात क्षेत्र यानी कि अलवर भरतपुर में गाए जाते हैं। अगला सवाल, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई माधो सिंह, महाराजा ईश्वरी सिंह। तो जयपुर में हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। बाकी इसका निर्माण कब करवाया, ये कितने मंजिला है, इनकी मंजिलों का क्या नाम है, तो वो हम ऑलरेडी मेगा वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है?
दयाल दास की ख्यात, बांकी दास की ख्यात, नैन सिंह की ख्यात या एकलिंग शिलालेख। तो बांकी दास की ख्यात के माध्यम से जयपुर और जोधपुर दोनों की स्थापना तिथि है वो मिलती है। और आप सभी को ध्यान में होना चाहिए कि जयपुर की स्थापना तिथि हाल ही में सेलिब्रेट की गई। तो आप कमेंट करके बताइए कि जयपुर की स्थापना तिथि क्या है और जोधपुर की भी स्थापना तिथि आप सभी को अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। आप बताएं या ना बताएं मैं बता देता हूँ। जयपुर की स्थापना तिथि है 18 नवंबर, जोधपुर की स्थापना तिथि है 12 मई। ठीक है, अच्छी तरीके से ध्यान में रखें। राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कौन है? आशापाला, शाकंभरी, नागनेची, बिजासन। तो नागनेची माता है, ये राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है। कवि सूर्यमल मिश्रण की रचना किस भाषा में है? हाड़ोती, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी या मारवाड़ी। तो कवि सूर्यमल मिश्रण का संबंध बूंदी से रहा है, तो हाड़ोती में इन्होंने रचनाएं लिखी थी। चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? बूंदी, पुष्कर, केशवराय पाटन, झालरा पाटन। तो झालरा पाटन जो झालावाड़ में है, यहीं पर चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला लगता है। ठीक है। प्रसिद्ध बनी ठनी का चित्रांकन किसने किया? साहिबद्दीन, गोपीराम, नागरीदास, निहाल चंद। तो निहाल चंद मोर ध्वज ने बनी ठनी का चित्रांकन किया किसके शासनकाल में? नागरीदास के। कौन सा युग में गलत सुमेलित है? बाबूजी कोलू, तेजाजी खरनाल, मल्लीनाथ जी गागरौन, रामदेव जी रामदेवरा। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। मल्लीनाथ जी का संबंध तिलवाड़ा से है, कल के पेपर में हमने पढ़ा। और गागरौन है वो झालावाड़ में स्थित है। और ये किससे संबंधित है? तो संत पीपा से। कटारगढ़ किस दुर्ग का भाग है? जोधपुर, गागरौन, अचलगढ़, कुंभलगढ़। तो कटारगढ़ है ये कुंभलगढ़ का भाग है। ऑप्शन नंबर डी है सही उत्तर। आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया? राजा भगवान दास, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह। तो ऐसा शासक जो 3 मुगल सम्राटों के सेवक रहा, इसी ने ही दीवान ए आम का निर्माण करवाया, यानी मिर्जा राजा जय सिंह। कांगड़ कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? शेखावटी, जोधपुर राज्य, बूंदी राज्य या बीकानेर राज्य। तो बीकानेर राज्य किसान आंदोलन से संबंधित है कांगड़ा कांड। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कहाँ हुआ? नसीराबाद, नीमच, माउंट आबू, आहुआ। तो राजस्थान में 28 मई 1857 को पहली बार नसीराबाद में विद्रोह की शुरुआत हुई थी। सिद्धराज डड्डा कौन थे? काफी बार पूछा जा चुका है ये भी। जैन धर्म के विद्वान, गांधीवादी एवं सर्वोदय नेता, कूटनीतिज्ञ, महान शिक्षा शास्त्री। तो गांधीवादी एवं सर्वोदय नेता थे कौन? सिद्धराज डड्डा। कुंभ स्वामी और कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ का किला, आमेर किला, कुंभलगढ़ किला या अचलगढ़ किला। ऑप्शन नंबर एक है करेक्ट आंसर। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर स्थित है। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? रामदेव जी, कल्ला जी, बाबू जी, गोगा जी। कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी। ऑप्शन नंबर एक है करेक्ट आंसर। इस पंथ का एक महत्वपूर्ण नृत्य है वो कौन सा है आप कमेंट करके बताएं। गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की? धर्म सभा, भील सभा, राजसभा या संप सभा। तो गोविंद गिरी ने संप सभा की है वो स्थापना की थी। राठी प्रजाति कौन सी दो गायों की संकर प्रजाति है? सिंधी व मालवी, सिंधी व साहिवाल, साहिवाल वे मालवी, मालवी वे नागौरी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरीके से ध्यान में रखें। सिंधी वे साहिवाल की संकर प्रजाति है राठी, जिसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। राजस्थान वे की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है। तो भवानी मंडी रेलवे स्टेशन पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5। राजस्थान के अंतर्प्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? पश्चिम बनास नदी, रूपारेल नदी, साबी नदी या काकनी नदी। तो मित्रों पश्चिम बनास नदी है ये अंतर्प्रवाह तंत्र में शामिल नहीं है, बाकी ये सभी अंतर्प्रवाही नदियां हैं। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर, 862, 822 या 869। तो राजस्थान की उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो 826 है,
पूर्व से पश्चिम है 869। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है? जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, सीकर। तो अधिकतम वर्षा में से इन जिलों में देखा जाए तो अजमेर करेक्ट है, लेकिन अगर आपको सामान्यतः पूछे अधिकतम वर्षा किस जिले में होती है तो आप क्या बताएंगे? झालावाड़ जिला। किस स्थान पर होती है तो आप बताएंगे माउंट आबू सिरोही। राजस्थान का क्षेत्रफल है 4,42,239 वर्ग किलोमीटर, 4,32,329 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी है हमारा सही उत्तर, यही है राजस्थान का क्षेत्रफल 34,22,39। उदयपुर राज्य का पुरातन नाम था जांगल देश, क्रू देश, शिवी, युद्धे। तो उदयपुर का पुरातन नाम था शिवी। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ यानी कि मेवाड़ शिवी के नाम से जाना जाता था। बाकी भी आपको ध्यान में रखना है, जांगल किसका पुराना नाम था, युद्धे किसका था, क्रू देश किसका था। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में अच्छे से बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। जांगल बीकानेर, क्रू देश जो अलवर का उत्तरी भाग है वो, और युद्धे हनुमानगढ़ गंगानगर के क्षेत्र को कहा जाता था। बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से नदी मिलती है, मीठड़ी, जवाई, सूपड़ी, माही। तो तिलवाड़ा में लूनी नदी सूपड़ी नदी से मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। खारी नदी का उद्गम है राजस्थान जिले में उत्तर में स्थित गांव की पहाड़ी से होता है, अरना, बागोता, बासाड़ी, बिजराल। तो खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित बिजराल गांव की पहाड़ियों से होता है, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। ओपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिम भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु है? बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, सी डब्ल्यू जी, ए डब्ल्यू बी एस एच डब्ल्यू। तो जैसलमेर व बीकानेर के जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें कोपेन के अनुसार बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू जलवायु है। तो ये जलवायु का वर्गीकरण हम भूगोल के वीडियो में इनको अच्छी तरीके से आपको समझाया है मैंने, मैप के जरिए वहां पर आप अच्छे से देख सकते हैं। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बीहड़ भूमि की समस्या से ग्रस्त है? बनास, चंबल, घग्गर, बाणगंगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बीहड़ भूमि, बेड लैंड टोपोग्राफी, चंबल नदी। ठीक है, इसका प्रयोग कब्ज ठीक करने में किया जाता है? अरंडी का तेल, कत्था, मेहंदी, ढाक। तो अरंडी के तेल का प्रयोग है वो कब्ज ठीक करने में किया जाता है। राजस्थान में तेंदू पत्तियों का उपयोग मुख्यतः किसके निर्माण में होता है? तेल, बीड़ी, मेहंदी, रंग। तो तेंदू पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने में होता है सबसे ज्यादा, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। चौड़गढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? अजमेर, जयपुर, सीकर। दो नंबर ऑप्शन है अजमेर, जयपुर, पाली। 3 नंबर है अजमेर, पाली, राजसमंद। 4 नंबर है अजमेर, उदयपुर, सिरोही। तो टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य 3 जिलों में फैला हुआ है, अजमेर, पाली और राजसमंद। निम्नलिखित में से प्रदूषकों की किस श्रेणी का संबंध ब्लू बेबी सिंड्रोम से है? ये प्रश्न भी 2-3 बार पूछा जा चुका है तो ध्यान में रखें आप। क्लोराइड्स, क्रोमेट्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट्स से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, राजस्थान का वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है? भूकंप, बाढ़, सूखा और सुनामी। तो सुनामी और राजस्थान का कोई संबंध नहीं है क्योंकि यह समुद्र में आती है। निम्नलिखित में से कौन सा फल राजस्थान में मुख्यतः सिरोही जिले द्वारा उत्पादित किया जाता है? अनार, चीकू, माल्टा, आम। तो चीकू है वो सिरोही जिले में मुख्यतः उत्पादित होता है, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। पशु अनुसंधान केंद्र कोटमदेसर स्थित है, जयपुर, जैसलमेर में, बीकानेर में या टोंक में? तो कोटमदेसर है ये पशु अनुसंधान केंद्र है और ये हमारा बीकानेर में स्थित है। झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है? भीम सागर, सावन भादो, छापी परियोजना, हरिश्चंद्र सागर परियोजना। तो झालावाड़ जिले की परियोजना है वो सावन भादो परियोजना नहीं है। यह परियोजना किस जिले की है? तो ये कोटा की है। ठीक है, बाकी ये झालावाड़ की परियोजना है, अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए, कई बार पूछा जा चुका है इनसे संबंधित सवाल। माही बजाज सागर बांध किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, कोटा, जालौर। तो माही बजाज सागर बांध है ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी है सही उत्तर। नेक्स्ट,
दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? NH62, NH82, NH48, NH68। तो दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका नया नंबर है NH48। ये NH8 का ही नया रूप है। इसका पुराना नाम NH8 था और नया नाम NH48, NH58 है। ठीक है। सबला लोहार ये खनन क्षेत्र है किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, दौसा, बाड़मेर और डूंगरपुर। तो सबला लोहार ये जो खनन क्षेत्र है ये आपका दौसा जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित नहीं है? उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, भीलवाड़ा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डूंगरपुर, क्योंकि ये आर्द्र दक्षिणी कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित है और राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। राजस्थान के किस संस्थान में इसरो शेख अहमदाबाद ने 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण एटलस का विमोचन किया? ऑप्शन ए कादरी, आफरी, नाटमो या DST राज। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर हमारा, आफरी, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि जोधपुर में है और यहीं पर इसरो ने मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण एटलस का विमोचन है वो 2016 में किया था। ये प्रश्न भी 2-3 बार पूछा जा चुका है तो ध्यान में रखें आप। काजरी और आफरी दोनों ही जोधपुर में स्थित है। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? गंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू, भरतपुर, अलवर व झुंझुनू, जयपुर, दौसा व करौली, नागौर, जोधपुर व पाली। तो राजस्थान में हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक रीजन है वो है ऑप्शन नंबर बी हमारा, भरतपुर, अलवर व झुंझुनू। आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन आपके यही है, इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कमेंट करके। और साथ ही साथ आप कमेंट करके ये भी बताएं कि ये जो 50 प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं इन 50 प्रश्नों में आपके कितने हैं वो सही हुए, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ में भी शेयर करें। इसी प्रकार की सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी, आप सभी की तैयारी को और मजबूती प्रदान करेगी यह सीरीज। और इसमें आपको बहुत ही कम समय में एक वीकली रिवीजन है वो करवाया जा रहा है, जिससे कि आपने जो भी पहले पढ़ा है, मेगा वीडियोस देखे हैं, तो उनका अच्छी तरीके से आपका रिवीजन हो जाए। और किसी भी एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए रिवीजन है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपने मेगा वीडियो भी ऑलरेडी शायद देखा होगा और थ्योरेटिकल भी स्टडी की है, लेकिन ये जो प्रश्न आपने पढ़े हैं इनमें से आप काफी प्रश्नों पर कंफ्यूज जरूर हुए होंगे। जैसे ये इसरो वाला प्रश्न है तो यहाँ पर आप काजरी है या आफरी है यहाँ पर भी कंफ्यूज हो सकते हैं। बाकी कृषि जलवायु खंड में भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कंफ्यूजन वाले जो प्रश्न है वो आपके इन जो क्विक रिवीजन टेस्ट है इनसे अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे। बाकी आप विस्तार से विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे मेगा वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल के, तो वहां पर राजस्थान जी